What do you know about solar system? Black holes, white wow. holes. Where do you read about it? I use it my brain. You have superpowers. I was born with that. Oh my god! मुझे लगता है कि अपने नाम पे क्यों नहीं सुनता इसके कान तो सही हैं उसको नहीं पता था कि मैं उसकी मामा हूँ दुनिया उनके लिए एलियन है और वो दुनिया के लिए एलियन है तो उसके बदले में तुम्हें ने ऐसी तो कोई लाइट बहुत तेज लगती है अपने ऊपर तो यूं यूं यू करने लग जाते हैं इसको साथ में करूंगी और ठीक करके ही रहूंगी जो लोग बोलते है ना ये नॉर्मल स्कूल नहीं जा सकता तो मैं इसको इंशाल्लाह करवा के दिखाऊंगी वालेकुम मैं हूं फरीद फहद और आज हम एक ऐसे फाइटर डुओ से मिलेंगे जिन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट फाइट किया एंड प्रूव देम रॉंग अस्सलाम वालेकुम खदीजा वेलकम सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू आई एम फाइन व्हाट इज योर नेम खिजर ओके खिजर हाउ डू यू लाइक स्कूल अ लॉट अ लॉट Yes, and I've heard that uh, you are curious about universe. So, universe, me, what's the that.: Solar system. Right. What do you know about solar system? Black holes, white wow. holes, a nebula, okay. a supernova, okay. stars, a spiral galaxy. Okay. And I also heard about black dwarfs. Wow. What like is that? Black dwarfs are like a star type that's smaller than a white dwarf. Okay. and It's like cold. Oh, that's great. And white dwarfs. White, white dwarfs is also cold, but it's a little warm. It's a little warm. Okay. And small. And small as well. White. Uh, and then red dwarfs is when red dwarf is a slightly bigger than the biggest planet Jupiter. Wow. Slightly. That's great. Yellow dwarfs are like like. Big as the size of like Sun, there are also more yellow giants are bigger than Sun. Okay. Some are small, some yellow dwarfs are small. Okay. Then so I don't we, know anything about this. How do you get to know? Kaha Now we have, now let's learn about the spiral galaxy. Okay. Everyone in the world knows about the Milky Way. Okay. Milky Way is a spiral shaped galaxy. Do you like Milky Way? Where do you read about it? I don't read. Then? I use my brain. You use your brain? Wow! You have superpowers. I was born with that. Oh my god! That's it, Khizer. Thank you Khizer for joining us. Best of luck for your future. So we had a fun conversation with Khizer. And I think it was a normal conversation that we So I hope you didn't find anything different here, right? But a few years back, this was not the case. and uh, we have today Tasmia and Khadija, mother of Khizar, with us to share their struggles and let us know what happened few years back. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji Khatija. Jab uh, Khizar born hua, saare milestones bilkul normal the. सब चीज़ें बिल्कुल ठीक थी One year तक बिल्कुल चलना फिरना जो सब चीज़ें बच्चे करते हैं pointing करना uh, जो basics आपकी language होती है जैसे nose बोल रहे हो तो नोज़ को टच कर रहा है eyes बोल रहे हो तो आइज़ को टच करना है ये सब चीज़ें बिल्कुल इसकी ठीक थी वन पॉइंट फाइव ईयर्स का हुआ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मुझे लगेंगे ये अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करता जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग मुझे लगता था कि इसको बुलाते रहो खिज़र खजर तो ये अपने नाम पे नहीं रिस्पॉन्ड करता था तो मुझे होता था कि अपने नाम पे क्यों नहीं सुनता इसकी कान तो सही है कान का तो कोई मसला नहीं क्योंकि बेबी टीवी लगता था तो ये भाग के जाता था या जैसे कोई न्यूज़ बुलेटिन लगता था घर में तो वो भाग के जाता था तो सब कहते थे नहीं बच्चे Uh, बोल लेते हैं कोई बात नहीं है बच्चे ऐसे ही होते हैं तुम्हारा बच्चा तो इतना मासूम सा है कोई बात नहीं अगर नहीं बोलता या नहीं जवाब देता कोई बात नहीं बच्चे कर लेते हैं टाइम बताता गया दो साल का हो गया दो साल तक भी कुछ नहीं करता था कोई कमांड फॉलोइंग नहीं थी हर वक्त उसको मुझे पकड़ पकड़ के हर चीज करवानी पड़ रही होती थी कि मामा उसको नहीं पता था कि मैं उसकी मामा मामा हूँ या उसको ये नहीं पता था कि मैं उसकी मतलब उसके उसके रिलेशंस आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम थी कोई पास लैंग्वेज भी नहीं थी सही फिर ये हो गया टू पॉइंट थ्री का मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई इसको फीवर था ऐसे ही हल्का सा तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मुझे बोला कि ये बेटा आपको ये थोड़ा डिफरेंट नहीं लगता मैंने कहा डॉक्टर साहब किस इसाथ, किस हिसाब से आप मुझे कह रहे ना तो उन्होंने बोला आ, कि ऑटिस्टिक है शायद ये तो और उन्होंने मेरे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ऑटिस्टिक लिख के बस इतना बोल दिया उन्होंने मुझे अब मैं सोच वो जा रहे बोलिए ये ऑटिस्टिक वर्ड तो मैंने कभी नहीं सुना था ये क्या होता है किस तरह से होता है मैं घर पर आई मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि दानिश इन्होंने ऐसे मुझे बोल दिया और ये मैं तो बहुत परेशान हुई क्या है फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं आप उसको प्रॉपर दिखाओ उसको ऐसा ऐसे मत छोड़ो ना तो मैंने एक जाने मैंने पीट्स का अपॉइंटमेंट ले लिया मैं गई उनके पास तो उन्होंने मुझे बोला कि यही वो माएँ होती हैं जो अपने बच्चों का कहते हैं टी के पास बिछा के भूल जाती हैं उनको पता ही नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मैं उनके सामने बैठी हुई हूँ उनके बराबर में उनकी असिस्टेंट बैठी हुई है और वो उनसे बात कर रहे हैं के देख ले बेटा जो मैं आपको एग्जाम्पल देता था ना ये वो एग्जाम्पल होती है इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता के आपकी क्या क्या हैं है मतलब से मुझे होता है कि ये भी नहीं करता और उन्होंने तो फिर वो अपने शुरू हो कि इस तरह से तो ये वही माए होती हैं और इस तरह के बच्चों को छोड़ देती हैं लापरवाही दिखाती हैं बच्चे पैदा ही क्यों करती हैं अगर उनको संभालना नहीं आता है और ये बच्चे कभी नॉर्मल स्कूल नहीं जा सकते अब लेके बैठेंगी करवाएंगी चीजें

फिर उन्होंने मुझे जो नाम लिखे दिया सेंटर का फिर मैंने गूगल पर सर्च किया फिर वहाँ पे लोकेशन में पहुँच गई तो वहाँ जाके मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि मतलब मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं लगता नहीं। मैं देख के ही मतलब एकदम से वो शौक में आ गई खैर मैं वहाँ पे गई उन्होंने उनसे मैंने अंदर पूछा कि असमेंट किस तरह से होगी क्या होगा उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आपकी सेशन होंगे पूरे और सेशन में आपको बुलाया जाएगा पूरे बच्चे के माइल स्टोन्स बिफोर बर्थ फिर आफ्टर बर्थ जो माइल स्टोन है वो पूरे चेक किए जाएंगे फिर आपको रिपोर्ट दी जाएगी खैर हमारा डायग्नोसिस हो गया सब कुछ हो गया लेकिन एक फेस जो होता है उसमें ये था कि मेरा ही बच्चा क्यों मतलब मुझे hmm. ये था कि मेरा ही बच्चे के साथ क्यों हो गया फिर मेरे सोसाइटी आप क्या सब ने मुझे बोला कि शायद तुम्हारी कोई ऐसी गलती होगी जो तुम्हारे बच्चे के आगे आ गई है माय oh गॉड तुमने शायद ये कुछ करा होगा ऐसा जो तुमने ऐसा किया है तो उसके बदले में तुम्हें अल्लाह ताला ने ऐसी आजमाइश दे दी उन सब चीजों को मैंने इग्नोर किया मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा सपोर्ट था मुझे उन्होंने कहा इन सब बातों को तुम नहीं सोचो नहीं करो मैं हूँ तुम्हारे साथ जुम्मन तुम्हें जो करना है तुम वो करो चाहे चाहे वो थेरेपीज हो, वो थेरेपीज़ हो हो कुछ तो खैर फिर हमने, हमने, थे हमने। so, right? हाँ, फरियाल मुझे बहुत ही मिलती जुलती स्टोरी लग रही है जो इन्होंने बताया मुझे लग रहा है कि मैं अपनी स्टोरी सुन रही हूँ किसी और से Sorry. तो बस मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि ये सारी चीजें जानने के बाद क्या ऐसा रीज़न है जो मुझे खड़ा करेगा उसके लिए क्योंकि आप बहुत डी हो जाते हैं ना तो है। मुझे मैंने सिर्फ एक बात पे फोकस किया कि वो खुदा जो इतनी खूबसूरत दुनिया बना सकता है वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि जहाँ पे मेरे बच्चे को कह दिया गया कि इसको रेड फ्लैग्स हैं रेड फ्लैग्स एक चीज़ यूज़ की जाती है वर्ड कि ये रेड फ्लैग्स हैं और अब तो ये ऐसे ही रहेगा और अब तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है तो मुझे ये सवाल था कि जो एक दुनिया बनाने वाला रब है उसके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, नहीं है तो इसके लिए भी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होगी और मैं कर सकती हूँ मैंने सिर्फ इस पर ध्यान दिया कि मैं मेरे करने का क्या काम है मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ और फिर ट्वेंटी फ़ोर सेवन लग गई जारा अपनी रिसर्च में अपने साथ वक्त गुजारने में उसके साथ उसकी चीज़ों को देखना ट्वेंटी फ़ोर मेरा काम सिर्फ वो और मैं होते थे

ठीक किया है ना तो मैं क्यों नहीं कर सकती है खैर फिर मैंने उन मदर से पूछा कि आपने कहाँ से थेरेपीज वगैरह करवाई हैं और चीज़ें आपने क्या क्या करवाती थी घर में क्या आपका रूटीन था उस बच्चे का क्या रूटीन था तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो उन्होंने जहां जहाँ मुझे बोला मैं हर जगह खजे को लेकर गई और जैसे तस्वीर ने मुझे बोला कि ट्वेंटी फोर सेवन रिसर्च पे साल लग जाता है खुद भी मैं पढ़ती रही और अपने घर को मैंने उसी हिसाब से थोड़ा बहुत मौल किया, किया मोल किया क्योंकि आपको करना पड़ता है, अपना 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 हाँ, uh, करने करने हाँ, है आपको जगह जगह पैस करने पड़ते हैं अगर बच्चा आपका बिल्कुल भी वर्बल नहीं है तो उसके लिए आपको लगाने पड़ते हैं चीजें तो खैर मैंने ये सब चीजें उसके साथ करी और मैंने अपना वाकई चैलेंज के तौर पे इसको किया कि नहीं इंशाल्लाह इसको साथ में करूंगी और ठीक करके ही रहूंगी जो लोग बोलते हैं ना ये नॉर्मल स्कूल नहीं जा सकता

But what happened afterwards, जब तुम लोग लेके आते गए। अच्छा एक थेरेपिस्ट का मैं जरूर मेंशन करना कि इस में आप पर जा रहे हैं, बिल्कुल, हाँ। तो और आप के पास जा रहे हैं कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो जैसे इनका एक जो फीडबैक है के बारे में वो इतना पॉजिटिव नहीं था इसी बिल्कुल. तरह मेरी लाइफ में एक थी, जो थेरेपिस्ट थी। मैं उनका नाम लेना चाहूंगी सारा आलम तो उन्होंने मुझे करज दिया मैं पहली दफ़ा अहमद को आ, स्ट्रॉलर में वहाँ लेकर गई क्योंकि जनरली जब थेरेपीज पर जाते हैं तो बच्चा इतना हाइपर एक्टिव होता है कि वो कहते हैं कि आप इसे कन्फाइन करें और हम थेरेपी ऐसे ही करेंगे लेकिन शी वॉज द पर्सन जिसने मुझे कहा कि ये इस आइंदा से तुम इसको इसमें नहीं लेकर आओगी और ये चल कर आएगा और ये चल कर जाएगा

हमारा साथ रहा अभी तक छः साल तक भी अब जाके इसकी पीस सारे खुदा की मैंने खत्म करवाई है अच्छा मुझे आप दोनों से ये बात पूछनी है कि आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिस जिसपे आप अभी भी थोड़ा सा कर रहे हैं काम जैसे खजर का तो ये है कि एट टाइम्स लॉस्ट हो जाता है असल मसला इनका यही है ना फोकस का थोड़ा सा इनका लॉस्ट हो जाता है तो बार बार जिसका खजर को मुझे बोलना पड़ता है आप क्या कर रहे थे

वो खेल रहे हैं तो वो ऐसे इनग्रोस्ड होके खेलते हैं और नहाते हैं और कुछ भी करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इर्द गिर्द की दुनिया मौजूद ही नहीं है hmm. यानी वो एलियन के तौर पे आपको नजर आएंगे कि दुनिया उनके लिए एलियन है और वो दुनिया के लिए एलियन है उनको ना वो बात समझ आ रही जो हम उनसे कह रहे हैं ना उनको वो लाइट्स क्योंकि उनको सेंसरी इश्यूज भी होते हैं हाँ। तो उनको कोई लाइट बहुत तेज लगती है अपने ऊपर तो वो यूं यूं करने लग जाते हैं हाँ। अगर उनको कोई आवाज बहुत जोर से सुनाई देती है फ्रिक्वेंसी उनको मैच तो वो यूं कानों पे हाथ रखते हैं हाँ। तो वो ऐसे ऑर्ड बिहेवियर्स डिपेक्ट करते हैं जिससे दुनिया और वो एक दूसरे के लिए टच से भी काफी हाँ, है और सेंसरी में जितने भी आ जाए खजर हाइपर एक्टिव अभी भी खजर है फिंगर्स के बीच में उसको कोई टच नहीं करे सो व्हाट डू यू डू फॉर दैट मैं मसाज करती हूँ उसका किसी स्क्रब अच्छे स्क्रब से लेके उसकी मसाज वगैरह करती हूँ जैसे मैंने अभी रिसेंट उसके थेरेपिस्ट से डिस्कस किया था कि इसका बहुत बड़ा मसला है कि अभी तक नाखून कटवाने में पैरों के खास तौर से हैंड्स को तो खुद कट कर लेता है अलहमदिल्ला फीट के उसको होता है कि जो है ना मुझे कोई टच नहीं करे तो मैं तो जब ये सोता था ना फिर मैं इसके पैरों के नाखून काटती थी Thi. और इस तरह के टूल्स भी मौजूद हाँ, हैं है पे जिसको आप यूज कर सकते हैं जैसे थेरेपीज में जो मैं देखती थी तो मैं वो सब अपने घर पर ले आई आपको ई एल सी पे अवेलेबल है अर्ली लर्निंग सेंटर जो है वहाँ पे डिफरेंट आपको सारी चीजें मिल जाती है आखिर में बस ये बताऊँ की अभी जो मदर स्ट्रगल कर रही है इस फेज में जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाइंग रेड फ्लैग नोटिस करने के स्टेजेस में वो क्या कर सकती है मैं सिर्फ इतना कहूंगी मुद्रे की आप कंसिस्टेंट रहो जो भी थेरेपिस्ट आपको आपको बताती है कि यार आपको ये काम करना है घर पे जाके तो आप लाजमी वो चीजें सोशल इंटरक्शन इनका बहुत हैम्पर होता है और सोशल क्यूज ये पिक नहीं कर पाते तो यानी आप अगर मुझसे बिटवीन द लाइन बात करेंगी आप कोई तंज करेंगी कोई मजाक करेंगी तो वो ये बच्चे नहीं समझ पाते बिल्कुल और किस किस वक्त क्या बात कहनी है हमें किस तरीके से बैठना है किस जगह का क्या डिकोरम होता है उनके पास ये कोई सेंस है ही नहीं आपको एक एक चीज उनके लिए एक टेलर मेड सिस्टम बनाना पड़ता है कि आपको हाथ धोने से लेकर शीशे में शक्ल कैसे देखते हैं बाल कैसे, कैसे हैं, है, क्रीम कैसे लगानी है हर चीज आपको जो है ना वो खुद बतानी पड़ेगी और आपको खुद सिखानी पड़ेगी अदरवाइज आप दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो मिमिक करते हैं ना दूसरे बच्चों का लर्निंग पैटर्न ये है कि अम्मी दुपट्टा ऐसे पहन रही है तो मैं भी ऐसे ही पहन ऐसे खाना खा रहे हैं तो यूं उठा के खा रहे हैं इनको आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी और इसके लिए आपको थोड़ा सा दुनिया से कटना पड़ेगा और आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा अदरवाइज इसका हल नहीं है और वो वन टू वन ही हो सकता है बिल्कुल थैंक यू खतीजा थैंक यू तस्मिया थैंक यू सो मच फॉर सच इट आई होप आप सबको इसमें ज़रूर अच्छे कोई पॉइंटर्स मिलोंगे अवेयरनेस के एजुकेशन के इंफॉर्मेशन के और अल्लाह ताला ने जो आपको एक स्पेशल चीज़ से नवाजा है उसका कोई मुकाबला नहीं है जिस तरीके से आप उससे फाइट कर रही हैं हम आपके यहाँ पर सिर्फ हिम्मत ही बन सकते हैं और कुछ नहीं और आपको आगे अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे हैं स्टे देयर स्टे पॉजिटिव थैंक यू अल्लाह थैंक यू